हाँ जी, आपका क्या नाम है? बसंती लाल शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं अध्यापक हूँ। क्या बीमारी हो गई आपको? सर के अंदर चक्कर आने की। अच्छा, और चक्कर आने के बाद में नीचे एकदम गिर जाऊँ, अनकॉन्शियस जैसे, आदमी उठाए तो उठो। ठीक है, क्या? तो फिर मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे कराओ, एक्सरे करा लिया। एक्सरे में कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऑपरेशन कराने नीचे आया तो मुझे फिर जो है विवेक जी मिले। एक्यूप्रेशर पता है कि एक्यूप्रेशर है। हाँ, एक्यूप्रेशर वाले मिले। उन्होंने कहा, बोले आप आओ मेरे यहाँ। हाँ, और मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। ठीक है, दूसरे दिन उनके पास चला गया। हाँ, और उन्होंने चलो अपना इलाज चालू किया। हाँ, आज की तारीख में ये है कि गर्दन मेरी 10 मिनट नीचे रहती है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, सब भारी महसूस नहीं होता है। हाँ, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी फायदा हुआ कि पैर जो मेरे पहले तो दर्द भी करते थे। हाँ, वो भी अब हल्के हो गए। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में भी दर्द नहीं है। अच्छा, हाथ में थोड़ा सुन्नत था वो भी नहीं है। वास्तव में सही है, ये गलत नहीं है। इससे मेरे को ऐसा लगता है कि वास्तव में एक्यूप्रेशर कुछ है। आपको आते हुए कितना टाइम हुआ? अभी 10 दिन हो गए मेरे को। 10 दिन हो गए। अब आप अपने आप को अच्छा सा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल। और दवाई वगैरह ले रहे हैं आप? दवाई बिल्कुल नहीं ले रहे। बस आपने जो परहेज बताया, आपने जो मतलब ये एक्सरसाइज बताई, तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। परहेज बताया, वो परहेज ज़्यादा नहीं, थोड़ा रखता हूँ। बाकी मेरे को बहुत रिलीफ महसूस हो। इसका मतलब है कि आप कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगे? ठीक होना मेरे को ऐसा लगता है। अपने आप को तो अभी मैं ठीक कर रहा हूँ महसूस, लेकिन मैं सोचता हूँ कि 2-4-5 रोज और रहूँगा, उससे और ज़्यादा फर्क हो जाएगा। ठीक है सर।